92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी फ्लैट नंबर 702। कोई एक हफ्ता हुआ होगा गुड्डी को इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुए। पिछले 2 महीनों में दोस्तों और अजीजों के घर रहना किसी सजा से कम नहीं था। इतने दिनों बाद आजादी महसूस कर रही थी वो। उसने सामने वाली खिड़की खोली तो दूर तक फैली हरियाली नजर आई। कोलकाता के आउटडोर में नया बसा यह इलाका सॉल्ट लेक के नाम से जाना जाता था। कोलकाता की आईटी सिटी और गुड्डी का नया आशियाना फ्लैट नंबर 702। गुड्डी का अपना घर भी तो इसी शहर में है, लेकिन शादी के बाद अपना घर, अपना मोहल्ला, सब कितने दूर लग रहे थे उसे। ये घर वालों की मर्जी के बिना शादी करने की सजा थी। मन की दूरियां जमीन की दूरियों से बड़ी होती हैं। अभी वो कुछ सोच पाती कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। जावेद थे। सुनो गुड्डी, किचन के सामान की लिस्ट बना के मुझको मैसेज कर दो। कल से रमजान शुरू है, मैं बाजार से सौदा लेता आऊंगा। रमजान का नाम सुनते ही गुड्डी के बदन में सनसनी दौड़ गई। उसे मोतिया बुर्ज में बने अपने छोटे से घर की याद आ गई, जहां रमजान का महीना आते ही हलचल मच जाती थी। मोहल्ले में दुकानों की कतारें रोशन हो जाया करती थी। घर की यादें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। खिड़की खोले गुड्डी नम आंखों से बाहर देख रही थी। यहां न तो सामने की खिड़की से रमजान की मुबारकबाद देने वाली रूही चच्ची थी, और न ही छतों पे उछल कूद मचाते बच्चे, और न ही अम्मी जान की प्यारी आवाज। गुड्डी, ओ गुड्डी, चल जल्दी से सब्जी चढ़ा, मैं बाजार कर रहा हूं। तुझे तो मालूम है ना, तेरे अब्बा शहरी में सिर्फ सिवाई खाते हैं। जी अम्मी। और हाँ, रोटियों का आटा थोड़ा ज्यादा गूंथ लेना, सुबह के लिए हो जाएगा, अम्मी ने कहा तो गुड्डी का मुंह बन गया। अम्मी, मैं भी चलूंगी बाजार। फिर काम कैसे निपटेगा बिटिया? अम्मी, छोटी चच्ची से कह दीजिए ना कि वो सब्जी चढ़ा देंगी, फिर वापस आके मैं सारा काम कर लूंगी। प्यारी अम्मी, प्लीज। अम्मी जान मुस्कुरा दी थी। जानती थी कि गुड्डी को मोतिया बुर्ज का पुराना बाजार बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, जल्दी कर। कुछ ही देर में दोनों बाजार की गलियों में थे। कोलकाता का ये इलाका था तो घनी आबादी वाला, लेकिन यहाँ की रंगत बहुत अलग थी। हो भी क्यों ना, इसे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने अपने हिसाब से जो बनवाया था। वो दौर जंगे आजादी का था। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से बेदखल कर दिया था, तो उनको यहीं कोलकाता के मोतिया बुर्ज में पनाह मिली थी। अपने प्यारे शहर लखनऊ की याद से जब वाजिद अली शाह परेशान हो गए, तो इजाजत लेकर उन्होंने यहां एक दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया, ठीक लखनऊ के जैसा। उस जगह का रंग रोगन भी वैसा ही करवाया। कोलकाता में मिनी लखनऊ बना लिया था उन्होंने, और आज गुड्डू को अपने उसी मिनी लखनऊ की याद सता रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी फ्लैट नंबर 702। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके गुड्डी अपने घर से अलग रह रही थी, लेकिन अम्मी, अब्बू और पुराने घर की यादें बहुत परेशान किए हुए थी। अब आगे इस नए घर का अकेलापन अक्सर गुड्डी को अपने घर की यादों में लपेटे रहता। पिछले रमजान की कुछ झलकियां उसकी आंखों में फिर से ताजा हो गईं, जब वो जिद करके अम्मी जान के साथ बाजार गई थी। पुरानी इमारतों के नीचे लगी दुकानें, अदबो आदाब से बात करते लोग, गुड्डी को बहुत अच्छा लगता था ये सब। अपने पसंद की खजूरें और सिवाई लेके गुड्डी वापस आई तो अब्बा कारखाने से वापस आ चुके थे। रमजान मुबारक हो अब्बा, लाइए माई रमजानी दीजिए। भाई, ईदी तो सुनी थी, ये रमजानी क्या बला है, गुड्डी के अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो गुड्डी उनके पास आ गई।
जैसे ईद आने पे हम ईदी वसूलते हैं, वैसे ही रमजान आने पे रमजानी। लाइए दीजिए। अब्बा ने शेरवानी की जेब से 100 रुपए निकाल के उसकी तरफ कर दिए और साथ में मीठा पान भी। जानते थे कि गुड्डी को मीठा पान बहुत अच्छा लगता है। गुड्डी ने पैसे दुपट्टे में बांध लिए और कुंडी खटकने की आवाज सुन के दरवाजे पे लपकी। जानती थी छोटे और मझले भाईजान होंगे, लेकिन दरवाजे पे जावेद थे। ये मोतिया बुर्ज नहीं, ये फ्लैट नंबर 702 था। लेकिन गुड्डी को लग रहा था जैसे अब्बा मुस्कुराते हुए अब भी उसे ही देख रहे हों। जावेद ने खाने पीने के सामान से भरी 2 थैलियां गुड्डी को थमाई। शाम हो गई थी। शादी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों का इस तरह रहने का सपना सच हो रहा था। लेकिन कुछ था जिसने इस खुशी पर उदासी के बादल डाल रखे थे। किचन में जब गुड्डी खाना बनाने लगी तो उसे देख के जावेद सोचने लगे कि अगर घर वालों की मर्जी से शादी हुई होती तो भी क्या घर में ऐसी ही खामोशी होती? शायद नहीं। तब तो जावेद की अम्मी ने अपनी बहू की हाथ छुलाई पर पूरे खानदान की दावत की होती। घर चहल पहल से भरा होता। लोग खाना खाते और खाने की तारीफें करते, गुड्डी को इनाम देते। 2 लोगों का खाना बनाने में गुड्डी को ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर खाना खाने में उतना ही वक्त लग रहा था। जावेद का उदास चेहरा देखकर गुड्डी से रहा नहीं गया। क्या हुआ? उसने पूछा। जवाब में जावेद के आंसू निकल आए। अपनों से लड़कर अगर अपनी खुशी हासिल भी हो जाए तो वो पूरी खुशी नहीं होती, उसका एक हिस्सा खाली ही रहता है। ये दोनों को समझ में आ गया था। जावेद ने गुड्डी की तरफ देखते हुए कहा, गुड्डी, ये पहली रमजान की इसी शाम है जब अम्मी का फोन नहीं आया, वरना अब तक 20 बार बात कर चुकी होती। जावेद ने गुड्डी से आगे पूछा, हमारे घर वाले भी हमें याद करते होंगे क्या? गुड्डी खुद इस सवाल से उलझती रही थी दिन भर, तो वो जावेद को क्या जवाब देती? एक तरफ नई जिंदगी की उमंग थी तो दूसरी तरफ पुरानी जिंदगी की यादें जो हर पल कुतर रही थी दोनों को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी फ्लैट नंबर 702। इस कहानी में अब तक आपने सुना, भले ही गुड्डी और जावेद शादी करके अलग रह रहे थे, लेकिन घर वालों के बिना उनसे रहा नहीं जा रहा था। अकेला महसूस कर रहे थे दोनों। अब आगे। सुबह के 4 बजे सहरी के लिए उठना था, सो दोनों जल्दी बिस्तर पर चले गए। गुड्डी की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो उस दिन को याद करने लगी जब घर पे उसे कोई देखने के लिए आया था और मजबूर होके गुड्डी को बताना पड़ा था कि वो अपने कॉलेज के दोस्त जावेद से प्यार करती है। साफ सुन लो गुड्डी, हमारे यहां शादियां सिर्फ अपनी बिरादरी में ही होती हैं। आगे से जावेद का नाम भी जबान पे मत लाना। और यही हाल जावेद के घर वालों का भी था। कितना अजीब है, हम आज भी जात पात की दीवारों में ही बंधे हैं। जब से गुड्डी के अफेयर की खबर घर वालों को लगी थी, उसकी शादी के रिश्ते रोज आने लगे थे। गुड्डी हर बार कुछ न कुछ कहके टालती रही इस उम्मीद से कि अब्बा एक न एक दिन समझ जाएंगे, लेकिन समाज नाम का एक भूत उन पे सवार था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार गुड्डी ही एक दिन अपने घर से आजाद हो गई और दोनों ने शादी कर ली। जावेद के घर वालों ने भी उसको साफ मना कर दिया था कि अगर घर पे गुड्डी को लेके आए तो घर में कदम मत रखना। गुड्डी सोचती रही कि ऐसा क्या गुनाह किया दोनों ने कि उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़ के खड़े हो गए। इतनी दूरियां बना ली जैसे जैसे उनका उनसे कोई वास्ता ही ना हो। गुड्डी की आंखें नम हो गईं। उसने करवट बदली पर नींद फिर भी नहीं आई। वो सोचने लगी कि उसकी एक हिचकी में तड़प उठने वाले उसके अब्बा काश एक बार उसकी ये हालत देख लेते तो उसको प्यार से गले लगाते और अपनी गोदी में रख के सुला लेते।
सहरी के लिए घड़ी में लगाया हुआ अलार्म बज उठा। बेड के ऊपर स्लैब पे रखी अलार्म घड़ी पे दोनों के हाथ एक साथ पहुंचे थे। दोनों समझ गए कि रात भर कोई नहीं सोया। खैर, सहरी के नाम पे दोनों ने सिर्फ चाय के साथ एक टोस्ट खाया और एक दूसरे का हाथ थामे सुबह होने का इंतजार करने लगे। जावेद को ऑफिस जाना था सो वो निकल गया और गुड्डी काम में लग गई। दो लोगों के रोजे किसी फाके के जैसे जा रहे थे। इफ्तार दो थालियों में लग जाता और सहरी दो चाय के कपों में सिमट जाती। गुड्डी के घर में तो अम्मी जान दोपहर से ही इफ्तार की तैयारियों में उलझ जाती थी। छोटे भाई को प्याज के पकौड़े पसंद थे तो बड़े भाईजान को शाही टुकड़ा। अब्बा को रोजा खोलने के लिए शरबत ही चाहिए। कैसे गुंथे हुए होते हैं ये खून के रिश्ते, कितना भी लड़ लो पर साथ नहीं छोड़ते। गुड्डी को न जाने क्या हुआ, उसने अपना पर्स उठाया और बाहर निकल गई। न तो जावेद खजूरें लाए थे और न सिवई। कम से कम रमजान तो वैसे मना सकती थी ना, जैसे घर पे होते थे। सॉल्ट लेक से होते हुए कई बाजार देख लिए पर गुड्डी को घी वाली फैनी यानी सिवई नहीं मिली। रिक्शे वाले को अगला और उससे अगला बाजार कहते कहते उसकी राह उसे मोतिया बुर्ज के बाजार पे ले आई थी। बाजार की रौनक देख के गुड्डी को लगा जैसे वो सदियों के बाद यहां आई हो। अपने पर्स से बुरके नुमा चादर निकाल के गुड्डी ने लपेट ली। वो घूम लेना चाहती थी। बाजार करते करते उसकी नजरें ये देखती कि काश कोई अपने घर का दिख जाए। चलते चलते उसके कदम उसे उस दुकान पे ले आए जहां से वो सामान खरीदा करती थी। क्या बाजी, इस बार घर से कोई नहीं आया, अब फुर्सत मिली आपको जब 10 रोजे निकल गए। गुड्डी का दिल बैठ गया। वो समझ गई थी कि इस बार अम्मी जान सौदा करने नहीं आई। अभी वो कुछ कह पाती कि किसी ने गुड्डी के कंधे पे हाथ रख दिया। गुड्डी बिटिया, पलट के देखा, रूही चच्ची थी। दो रिश्तों की आंखें एक दूसरे से मिली तो आंसुओं की लड़ियां फूट पड़ी। गुड्डी बेटा यहां, चच्ची, इतना कह के गुड्डी अपनी चच्ची से लिपट गई। बाजार में इस तरह दो औरतों का गले मिलना लोगों के घूरने का सबब बन गया। रूही चाची ने गुड्डी को संभाला और दोनों मोतिया बुर्ज के इमाम बाड़े की तरफ हो लिए। किसी किले जैसे इस बुर्ज में अक्सर आके साथ में बैठा करते थे दोनों। अब्बा कैसे हैं, गुड्डी ने पूछा। कैसे क्या, बस निहाल ही रहते हैं सारा दिन, कोई तुम्हारा जिक्र नहीं करता पर खामोशी में तुम ही रहती हो गुड्डी, सब अकेले तुमको याद करते हैं और साथ में होते हैं तो भूलने का नाटक। गुड्डी रोने लगी थी। चच्ची ने उसे पुचकारा। अल्लाह सब ठीक करेगा गुड्डी, उसकी जात से मायूस ना हो। अच्छा कहां रहती हो अभी, गुड्डी ने बीते दिनों का हाल और अपने नए घर की तफसील सुनाई। देखो मौका निकाल के जुमे रात को आती हूं। चच्ची की इस बात ने गुड्डी को कितना सुकून दिया था ये उसके अलावा कोई नहीं जानता। चच्ची ने तांगा रोका, उसे बिठाया और बुरके की जेब से 100 रुपए निकाल के उसे दे दिए। उनसे विदा लेते वक्त गुड्डी को लगा जैसे उसकी विदाई आज हुई हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी फ्लैट नंबर 702। इस कहानी में अब तक आपने सुना, गुड्डी और जावेद ने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली थी पर उनसे उनके परिवार का रिश्ता खत्म हो गया था। आज अचानक बाजार में गुड्डी को उसकी चच्ची मिल गई तो उन्हें देख के गुड्डी से रहा नहीं गया, वो बिलख उठी। अब आगे, किसी अपने के आने से गुड्डी का दिल रह रह के मचलता। जुमे रात वाले दिन उसने घर को अच्छे से साफ किया, गुलदानों में फूल लगाए और किचन में उलझ गई। उसने सोच लिया था कि चच्ची को बिना इफ्तार के नहीं जाने देगी। दोपहर का वक्त था, डोरबेल बजी, चच्ची ही थी। गुड्डी को गले से लगाया और घर निहारते हुए बोली, माशाल्लाह घर तो बहुत प्यारा है तुम्हारा गुड्डी। किराए पे है, गुड्डी ने जवाब दिया तो चच्ची जान दुआएं देते हुए बोली,
अल्लाह ने चाहा तो खुद का भी हो जाएगा। जावेद कहाँ है? बस आते ही होंगे। चची जान से बात करते हुए गुड्डी को लग रहा था जैसे अपने खानदान से टूटा हुआ धागा फिर से जुड़ रहा हो। फातिहा के लिए उसने जरदा यानी मीठे चावल बनाने थे, पर घर पे अम्मी से उनको उबालना ही सीख पाई थी वो। काम करने से बचने वाली गुड्डी आज सब कुछ सलीके से कर रही थी। चची जान आगे आगे बताती गई और गुड्डी बनाती गई। तभी डोरबेल फिर से बजी। गुड्डी ने लपक के दरवाजा खोला। सामने जो देखा उस पे यकीन नहीं हुआ। जावेद के साथ गुड्डी के बड़े भाईजान थे। कितनी दुबली हो गई गुड्डी, बड़े भाईजान ने गुड्डी को देखते हुए कहा। गुड्डी को तो यकीन ही नहीं हुआ। आगे आके भाईजान ने उसको गले लगा लिया। मैं तो पार्क सर्कस वाली शाहजी की दरगाह पे गया था तो भी भाईजान दिख गए, बस गलती मना के अपने साथ ले आया। ये कहते हुए जावेद की आवाज भर्रा गई थी। गुड्डी तो चच्ची के आने का सरप्राइज जावेद को देने वाली थी, पर अल्लाह ने उसे ही सरप्राइज दे दिया था। इन्हीं आवाजों के बीच रूही चच्ची निकल के सामने आ गई। सब लोग एक दूसरे को देख के हैरान थे। खून के रिश्ते इतनी आसानी से जुदा नहीं होते। तुम्हारे जाने के बाद अब्बा तो एकदम खामोश हो गए। गुस्सा उन्हें तुम पे भी था और खुद पे भी। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की पहुंची कि तुमने इन महीनों में घर से राब्ता कायम करने की कोई कोशिश नहीं की। वो घर में हम सबको कहा करते कि गुड्डी मर गई हमारे लिए, पर रोज तुम्हारा नंबर मिलाते। तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र नहीं हुई गुड्डी? गुड्डी के पास सिवाय आंसुओं के कोई जवाब नहीं था। जावेद बीच में बोले, भाईजान हम डर गए थे इतने कि ये दो महीने छिपते छिपाते गुजरे। मारे डर के हमने अपने अपने मोबाइल के सिम भी फेंक दिए थे भाईजान। चाह के भी किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। वो तो आज आपको देखा तो रहा नहीं गया, लगा कि आप मार भी देंगे तो कोई गम नहीं। पर अपनों को छोड़ के जीना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। गुड्डी की खैर खबर लेने के बाद भाईजान चलने को हुए तो जावेद ने टोक दिया, भाईजान रोजा खोल के जाते? नहीं जावेद, जब से गुड्डी ने घर छोड़ा है हम भाइयों ने अब्बा को कभी अकेले नहीं होने दिया। वक्त पे घर नहीं पहुंचा तो वो घबराने लगते हैं, उन्हें लगता है जैसे उनको सब छोड़ के चले जाएंगे। रूही चच्ची भी साथ हो ली। गुड्डी का बनाया जरदा पतीले में ही फीका पड़ गया, जैसे जाते वक्त और उसकी रंगत चच्ची और भाईजान के साथ चली गई हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी फ्लैट नंबर 702। इस कहानी में अब तक आपने सुना शादी के बाद अपने घर वालों की बेरुखी झेल रहे गुड्डी और जावेद के घर जब छोटी चच्ची और बड़े भाईजान मिलने आए तो एक उम्मीद हो गई थी उन्हें। अब आगे, आज के बाद से गुड्डी का हर दिन एक उम्मीद से बीतता कि शायद आज घर से भाईजान आ जाएंगे, कि आज शायद चच्ची ने घर पे किसी न किसी को राजी कर लिया होगा, और सबसे बड़ी और करिश्माई उम्मीद कि शायद आज अब्बा उसके दरवाजे पे दस्तक देंगे। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्यासा अगर प्यासा ही रहे तो उसे पानी की शिद्दत उतना नहीं सताती जितना कि एक घूंट पी लेने के बाद। वैसा ही हाल गुड्डी का हो रहा था। आखिर एक दोपहर उसने चच्ची को फोन लगा ही दिया, पर वहां से जो आवाज आई उसे पहचानने में गुड्डी को देर नहीं लगी। अम्मी जान, कैसी हो गुड़िया? गुड्डी क्या बताती कि कैसी है। दोनों तरफ एक लंबी खामोशी रही। फोन रखते वक्त अम्मी ने इतना कहा, चच्ची कह रही थी कि बड़ा अच्छा घर है तेरा, आऊंगी एक दिन। गुड्डी का मन किया कि अम्मी से कह दे कि तुम्हारे उस छोटे से घर से अच्छा नहीं है जहां तुम्हारे प्यार की महक है, जहां अब्बा की डांट है, भाइयों की शरारतें हैं। पर हलक से एक अल्फाज नहीं निकला उसके। एक दिन अचानक जब गुड्डी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी, दस्तक हुई।
भाईजान के साथ अम्मी थी और साथ में चच्ची। थोड़ी सी नाराजगी दिखाने के बाद अम्मी ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। बेतरतीब बावर्ची खाने को देख के कहा, कहती थी ना सामान को बुहारना सीख ले, नमक के डब्बे का ढक्कन खुला रख दिया है, सील गया है, और ये रोटियां बिना कपड़ा लपेटे रखेगी तो सूख नहीं जाएंगी। एक एक करके घर के सभी लोग गुड्डी से मिलने आते रहे, लेकिन अब्बा को ये बताने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उधर गुड्डी के अब्बा का मन बुझता जा रहा था। एक दिन बड़े भाईजान ने गुड्डी का जिक्र छेड़ा तो वो फूट पड़े। उसका नाम लेना जरूरी है क्या? क्यों गुस्सा दिला के मेरा रोजा मकरू कर रहे वसीम? किसी सूरत में बात बनती नजर नहीं आ रही थी। वो अलविदा जुमा था जब नमाज के बाद अब्बा को घर छोड़ने के लिए बड़े भाईजान ने गाड़ी सॉल्ट लेक की तरफ घुमाई तो उन्होंने पूछा, ये कहाँ जा रहे हम? अब्बा, किसी से मुलाकात करनी है, बस 10 मिनट रुकेंगे, थोड़ा जरूरी है। अब्बा ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो फ्लैट नंबर 702 के सामने थे। डोरबेल बजी तो उधर गुड्डी का और इधर बड़े भाईजान का दिल हिल गया। आगे अल्लाह ही जानता था कि क्या होना है। दरवाजा खुला, गुड्डी और अब्बा एक दूसरे के मुकाबिल थे। गुड्डी के पीछे पूरा परिवार खड़ा अल्लाह से नेक दुआएं कर रहा था। गुड्डी ने रोते हुए अब्बा से बस इतना कहा, अब्बा मेरी रमजानी दे दीजिए, और जाके उनसे लिपट गई। अब्बा कुछ देर जड़ बने रहे, फिर उनके हाथों में जुम्बिश हुई और उन्होंने इतना ही कहा, गुड्डी तेरा घर बहुत खूबसूरत है। आज सच में गुड्डी को अपना घर खूबसूरत लग रहा था, उसका घर फ्लैट नंबर 702। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।